फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक मंथ से लेकर के 3 मंथ के बीच में जितने भी लड़के होने के लक्षण होते हैं वो सारा शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इस ट्रेमिस्टर को लेकर के कि 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ के अंदर जो भी लक्षण होते हैं वो लड़के के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपकी जो डाउट है वो सारा क्लियर करूँगी। आप ये एक पूरा वीडियो देख लेते हो ना तो आपके मन में जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी डाउट हैं वो सारा क्लियर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ, जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्ड महिलाओं ने धारणाएँ बनाई हैं, ऐसे अनुमान लगाए हैं कि 3 मंथ के अंदर जितने भी लक्षण पाए जाते हैं वो सटीक होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपकी सारी डाउट क्लियर करूंगी कि क्या ये सच होता है। तो चलिए वीडियो मेरी बहन है, मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ सिर्फ आप लोग के फेस पे स्माइल लाने के लिए। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है जेंडर को लेकर के, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, सारा दोनों का दोनों बहुत ही अच्छे हैं अपने अपने जगह पर। जिनको बॉय नहीं होता है ना, वो ये सोचते हैं कि हमें एक बॉय हो जाता तो हमारा फैमिली कंप्लीट हो जाता, उन्हें नीड है बॉय की, इसके लिए वो ऐसा सोचते हैं। वहीं पे जिन्हें गर्ल नहीं होते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि हमें गर्ल हो जाता ताकि हमारा फैमिली कंप्लीट होता, क्योंकि उनको नीड है गर्ल की। तो यहाँ पे सबके जगह अपने अपने जगह पे सब लोग अच्छे हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, दोनों की बराबर की जगह है इस दुनिया में, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि मैं ऐसी वीडियोज़, ये देखो मेरी बेटी ये लेके खेल रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपकी ऐसी वीडियोस बनाती हूँ मैं क्योंकि मेरे मन में बॉय या गर्ल के लिए भेदभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आप लोग को भी बोलूँगी कि मैं ऐसी वीडियो सिर्फ आप लोग को हैप्पी करने के लिए बनाती हूँ, ताकि आप कुछ ऐसे अनुमान लगा सको कि आपके गर्भ में नन्ना शिशु जो है, प्यारा शिशु है, वो परी है या राजकुमार है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में और सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में ऐसा माना जाता है दो ही लक्षण जो है आपको अगर सटीक बैठते हैं तो लड़का होता है, और नहीं सटीक बैठते हैं तो लड़की होती है, ऐसा माना जाता है। ओल्ड वाइफ इसको बहुत ज़्यादा मायने देती हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, पहले लक्षण बताऊँगी फिर साइंटिफिक रीज़न बताऊँगी। लक्षण ये है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस, जी हाँ फ्रेंड्स, मॉर्निंग सिकनेस के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात किया है, आप बोलोगे बार बार वही बता रही है, तो मैं इस वीडियो में ऐसा साइंटिफिक रीज़न आपको बताऊंगी। और ये लक्षण 1 से लेकर 3 महीने तक बहुत ज़्यादा सटीक माने जाते हैं। इस वीडियो में जो आपको बताऊंगी शायद आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ के अंदर जो मॉर्निंग सिकनेस होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो लड़के का लक्षण माना जाता है, ठीक है। और वहीं आपको बहुत कम हो रही है, मतलब मॉर्निंग सिकनेस हो ही नहीं रही है, ना के बराबर है, कभी कभी हो रही है और आप एकदम नॉर्मल रहते हो, तो लड़की माना जाता है। तो मैं आपको अपनी बात बता दूं, मेरे केस में ये बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठा था। मुझे सब लोग बोलते थे कि तेरा बॉय होगा, लेकिन मुझे हो गई गर्ल। तो किसी का जो अनुमान था वो मेरे पे, सब लोग, मुझे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो मुझे नहीं बोली हो कि मुझे बॉय नहीं होगा गर्ल होगा, सब लोग यही बोले थे कि मुझे बॉय होगा, सिर्फ मेरे हस्बैंड को छोड़ के। मेरे हस्बैंड ने बोला था, जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुझे गर्ल ही होगा, वही हुई। लेकिन जितने भी लोगों ने, ओल्ड वाइफ्स, सास, मतलब जितने भी लोग थे, सब लोगों ने बोला था कि मुझे बॉय होगा, लेकिन बॉय नहीं हुआ, गर्ल हो गई। तो मुझे भी लगता था कहीं ना कहीं कि मुझे गर्ल होगी। क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि जो वो लोग बोलते थे ना, उसके अपोजिट ही मुझे होता था, ठीक है। बोल रहे हैं उसके अपोजिट आप लोग को हो, वो ना हो तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है तो बॉय होगा, कम होती है तो गर्ल होगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, एक लक्षण और है, जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो बॉय का कनेक्शन होता है। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि आप खाओ, कुछ खट्टा खाओ, कुछ मीठा खाओ, कुछ नमकीन खाओ, ऐसा होता है। तो माना जाता है आपको खट्टा नमकीन खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो बॉय होता है। वहीं पे आपका अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मीठा खाने का तो गर्ल होता है। मेरे केस में ये सटीक बैठा था, ठीक है। ये दूसरा जो लक्षण है ना, मेरे केस में सटीक बैठा था, क्योंकि जैसे ही मैं कंसीव की उसी दिन से मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगा मीठा खाने का।
तो इसमें मैंने जो महसूस किया वो सही था, और मुझे गर्ल हुई थी, और मैं पूरे 9 महीने तक बहुत ज़्यादा मीठा खाई हूँ। डॉक्टर के डांट पड़ने के बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है, मीठा खाना मैंने छोड़ना नहीं है। और खट्टे की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होती थी। मुझे खट्टा देख करके ये होता था, मतलब चक्कर आने लगता था। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि मैं कहीं भी खट्टा चीज़ खाऊँ, किसी भी तरह से नमकीन खाऊँ, कुछ नहीं मन करता। मुझे बस मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी उस समय। और एक बात बताऊँ आपको, मुझे मीठा वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी जो बेटी हुई है उसको भी मीठा बहुत पसंद है, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं मेरे हॉर्मोन्स के हिसाब से मेरा चल रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ, जो मॉर्निंग सिकनेस का साइंटिफिक रीज़न है, ये गर्ल्स में भी पाया जाता है और बॉयज़ में भी पाया जाता है। क्योंकि ये जो लक्षण है ना मॉर्निंग सिकनेस का, ये आपके बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आपका बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब जो बॉडी का काम अंदर से जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत बॉडी के अंदर उथल पुथल मच रखे। हो सकता है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पे हॉर्मोन्स की वजह से जो होता है वो होता है। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है कि आपको बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। आप नहीं सोच सकते हो कि आपको क्या होने वाला है, आप किसी भी तरह से अनुमान नहीं लगा सकते हो यहाँ पे कि आपको क्या होने वाला है। ये अंदर कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, तब आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने को मन करता है। लेकिन ऐसा माना गया है जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको खट्टा खाने का मन ही करता है, खाना ही चाहिए। लेकिन मुझे क्रेविंग नहीं हुई थी खाने को, लेकिन इसीलिए मैंने बताया कि ये सटीक लक्षण मेरे में बैठा था। कौन से लक्षण आप लोगों में दिखाई दे रहे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, और भी कोई लक्षण आप लोग के साथ है तो मुझे बताइएगा। जो लक्षण आप लोगों में दिख रहे हैं अगर मुझे कमेंट करते हैं तो मैं वो कमेंट पढ़ करके उसके बेस पे और वीडियोस बनाऊंगी, और मैं अपने फैमिली के पास पहुंचाऊंगी ताकि उनके मन में भी जो डाउट है वो क्लियर हो सके कि ये सब लक्षण जो है ना आपको नहीं बता सकते हैं कि आपको बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगे। तो ठीक है, आपको आशा करती हूँ कि ये छोटी सी जो जानकारी मैंने दी है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं और भी कोई टॉपिक्स लेकर आऊँ, कोई वीडियोस लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले और मेरी वीडियोस आप वॉच कर पाओ। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए।